आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नाम, पता, एड्रेस एक जेंडर कैसे चेंज करें, वो भी घर बैठे। तो दोस्तों, हम की न्यू अपडेट आया है जो आधार कार्ड में, तो अपने घर बैठे अपने मोबाइल से या सिस्टम से आप घर बैठे अपने आधार कार्ड को सुधार सकते हैं, जो भी नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आप डाउनलोड भी करना चाहते हैं या आधार कार्ड से केवाईसी करना चाहते हैं या मोबाइल नंबर अपडेट करना चाहते हैं, तो आपको ऑनलाइन आप घर बैठे कर सकते हैं, आपको आधार सेंटर जाना नहीं पड़ेगा। तो कैसे करना है, इसका प्रोसेस क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। और आपको वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इसका। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड के ऑफिशियल वेबसाइट में आना है, इसके बाद आपको ऐसा पेज आ जाएगा, इसके बाद .gov पर आपको क्लिक करने के बाद आपको पेज आ जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पास आप देख लीजिए, यहाँ पास आपको लिखा है डाउनलोड आधार कार्ड, पीएससी कार्ड, और यहाँ पास आधार कार्ड इनवेंट अपडेट स्टेटस भी लिखा है सेंटर, और यहाँ पास आपको वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर है, यहाँ पास आप जो भी यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप कुछ पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज आ जाएगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ पास अपना आधार नंबर डालना है और आपको कैप्चा फिल करना है। इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। एग्जाम्पल थ्रू पर आप जैसे कि यहाँ पास आधार नंबर डालने के बाद आपको जो भी कैप्चा है उसको फिल करने के बाद आपको सेंड ओटीपी करना है। सेंड ओटीपी करने के बाद जो आपको आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है वो उसमें आपको एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को 6 अंक रहेगा, उसको आपको यहाँ पास फिल करना है। उसके बाद फिर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा पेज खुल जाएगा आपको। इसके बाद आपको यहाँ पास प्रोफाइल आ जाएगा और इसके बाद आपको ऐसा पेज मिल जाएगा। यहाँ पास क्या करना है, जैसे कि आप आधार कार्ड में कुछ सुधार करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं, यहाँ पास बहुत सारा आपको सर्विस मिल जाता है, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से आधार कार्ड को। आप ऑर्डर भी कर सकते हैं पीओसी कार्ड को, प्लास्टिक के लिए जो आता है। अब यहाँ पर ऑफलाइन केवाईसी भी करा सकते हैं, पेमेंट हिस्ट्री जो आप देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट आपको अपडेट करना रहता है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी बात करने वाले हैं ऑनलाइन अपडेट कैसे करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आधार अपडेट ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसमें अभी फैमिली अपडेट नहीं हुआ है, चालू होने वाला है, सर्विस अभी चालू नहीं हुआ है। इसमें क्या करना है, आपको अपने नाम, जो पता, मोबाइल नंबर आपको सुधार करना है तो यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ प्रोसेस दिया है, इसमें आप पढ़ लीजिए। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पास प्रोसेस पर आपको क्लिक करना है। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा पेज आ जाएगा, यहाँ पास कुछ नियम दिया है इसको भी आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पास ऑप्शन मिले आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस। अभी कुछ इसमें मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को हटा दिया है। इसमें क्या है, अपडेट होने वाला है और सर्विस आने वाला भी है। इसमें अभी नाम और हम सिर्फ एड्रेस भर इसमें चेंज कर सकते हैं। जिसके अब नाम चेंज करना है तो आपको यहाँ पर सबको क्लिक करना है और आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा और वर्तमान में जो हिंदी में। इसके बाद आपको यहाँ पास क्या करना है, आपको नाम फिर डालना है और अपना जो नया नाम है उसको डालना है। उसके बाद यहाँ पास आपको उसके बाद आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर लेना है आपको, जो भी डॉक्यूमेंट रहेगा आपको, ड्राइविंग लाइसेंस क्या देना है आपको इसके हिसाब से आपको देख लेना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट कर लेना है। इसके बाद आपको पेमेंट करना होता है। इसका प्रोसेस ये है कि आप 3 स्टेप करना रहता है इसमें और आप उसके बाद आप पेमेंट भी कर सकते हैं, ये इसका प्रोसेस। और इसके बाद आप एड्रेस सुधार करना चाहते हैं तो एड्रेस के लिए आपको बैक कर लेना है। और जिसके यहाँ पास नियम रहते हैं कि अगर आप एक बार अपडेट कर लिए हैं तो दोबारा आपको अपडेट करने का मौका मिलता है। यहाँ पास आप अगर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पास डिलीट कर सकते हैं। इसके डिलीट करने के बाद आपको ओके करना है आपको, और इसके बाद आपको फिर से जाना है इसमें ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करना है। इसके बाद फिर से आप क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद प्रोसेस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप एड्रेस सुधार कर सकते हैं, यहाँ से एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको प्रोसेस पर क्लिक करना है। फिर से प्रोसेस करने के बाद आपको फिर से ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें फिर से आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर अपना जो पुराना एड्रेस रहेगा, और इसके बाद आपको यहाँ पर अपना नाम, सॉरी, इसमें आपको एड्रेस फिल करना है पूरा, सब चीज आपको जितना भी आपका स्टेट और आपका ब्लॉक, जिला, डिस्ट्रिक्ट, इसको सबको आपको सिलेक्ट करके इसमें भरना है। और भर कर आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है और आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या जो भी आपको एड्रेस में है आपके पास है उसको आपको यहाँ पास अपलोड करना होता है। अपलोड करने के लिए यहाँ पास आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको
उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको सीधा पेमेंट करने को बोलते हैं, पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको प्रोसेस हो जाता है। इसमें पेमेंट के लिए जैसे आप बायोमेट्रिक अपडेट करना चाहते हैं तो आपको 100 रुपये है, और आधार कार्ड अपडेट करना चाहते हैं जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, तो 50 रुपये में है। तो इसका ये प्रोसेस है। तो दोस्तों यही है इसका। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों, और ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे सब्सक्राइब करें।